नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, कल मैं लाइव में अवेलेबल नहीं रहूँगा क्योंकि आज इवनिंग में मुझे गाँव जाना है फैमिली के साथ। कल हमारे यहाँ वोटिंग है तो अपने मताधिकार का उपयोग भी हो जाएगा और गाँव में जो मेरे फैमिली रहते हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगा, दोस्तों से मुलाकात हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाना, ओके। चलिए, बट कल लाइव में नहीं रहूँगा इसलिए दिन में ट्रेडिंग कॉल अवेलेबल नहीं होगा टेलीग्राम चैनल में। मैं वापस आऊँगा संडे इवनिंग में, ओके। फिर मंडे से आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, मैं रात को आजकल आप लोगों के लिए दो स्टॉक शेयर करता हूँ, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब अगर आपको लगता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ब्रेकआउट या रीटेस्ट के स्टॉक्स हैं उनके ऊपर, ओके। तो ये स्टॉक भी मैं आप लोगों के लिए संडे इवनिंग से शेयर करूंगा क्योंकि देखिए लगभग 2000 स्टॉक्स हैं मेरे पास, ठीक है, वॉच लिस्ट में। ये सब अलग अलग सेक्टर के वॉच लिस्ट बना हुआ है, राइट। तो इनसे स्टॉक्स निकालता हूँ मैं, देखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है, तो ये आने के बाद मैं आप लोगों के लिए कर पाऊंगा, ठीक है। इसे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, एटलीस्ट 50-60 स्टॉक का चार्ट तो मैं कम से कम आपको शेयर करूँ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से प्रतिक्रिया पूछूंगा कैसा लगता है, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कल मार्केट कैसा हो सकता है, आज मार्केट कैसा रहा। वैसे देखिए आज का मार्केट ना 2:45 तक तो बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था, और मेरा प्रॉफिट भी ना बहुत अच्छा था। लगभग 3,50,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, हालांकि 2 लाख आसपास प्रॉफिट में मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, पोजिशन क्लोज नहीं किया। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर जरूर दिख रहा है, राइट, और बैंक निफ्टी ही कमजोर है। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी कमजोर है, और जब ये ब्रेकआउट फेल हो रहा था ना तभी मैंने जो लाइव में ट्रेड करते लड़कों को बताया कि ऐसा कैंडल नहीं बनना चाहिए था ये जो ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन मैं पहले से डिसाइड कर लिया था कि पोजीशन मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। मैं 2:20 के आसपास मैसेज भी किया था टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को कि निफ्टी बैंक निफ्टी का जो पोजीशन हमारे पास है अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, मैं कैरी करूंगा। लास्ट मिनट में नीचे आ गया तो मैं अपने पोजिशन को होल्ड कर लिया है, विथ हेज है इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। हालांकि थोड़ा वीक जरूर नजर आ रहा है, बट कल जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया था अपना व्यू कि 44,000 के आसपास इसमें रिवर्सल आना चाहिए। जब तक 44,000 के ऊपर है पॉजिटिव है, 44,000 के बिलो अगर कल क्लोजिंग देगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसमें नीचे की तरफ ट्रेड देख सकते हैं। बट जब भी मैं इस ट्रेड में नीचे की तरफ ट्रेड बना रहा हूँ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ओके। और ऊपर की तरफ ट्रेड जब भी बनाने की कोशिश करें इसमें प्रॉफिट जरूर मिल रहा है क्योंकि ट्रेंड में है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड ना चेंज नहीं हुआ है, हालांकि नेगेटिव कैंडल जरूर है। एटलीस्ट इसे जाना चाहिए था 44,800 की तरफ, जैसे निफ्टी गया तो निफ्टी में कल जैसे मैंने बताया था कि 19,850 तक जाना चाहिए, आज 75 तक चला गया था, तो बहुत ही हैंडसम मूवमेंट आई इसमें। और कल जो लेवल मैंने शेयर किया था कि इसे बाई करना चाहिए 19,650 के आसपास, वहीं से रिवर्सल आया, बहुत ही परफेक्ट मूवमेंट आया, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मूवमेंट आया, ओके। और दिन में मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में था, हालांकि मैं लगभग 194 के आसपास प्रॉफिट कैरी किया हूं मैं, ठीक है। और बजाज फिनेंस में लोअर लेवल से बहुत अच्छा ट्रेड मिला मॉर्निंग में, राइट। और बैंक निफ्टी का पोजीशन है आखिरी आखिरी मैंने अगेन इसमें शॉर्ट कर दिया है 45,000 का विथ हेज, ठीक है। और निफ्टी का ट्रेड है ही है, निफ्टी का मैं नेकेट पोजिशन बनाया था तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना 322 रुपये का प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया था, आज 150 आ गया था, आखिरी आखिरी मैंने हेज कर लिया, अनएक्सपेक्टेड कोई गैप डाउन ओपन हो जाए तो मैक्सिमम लॉस ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा हेज कर लिया पोजीशन को, ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज ना बैंक निफ्टी में तो कम चांस मिला होगा, निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला होगा और बजाज फिनेंस में तो बहुत ही खूबसूरत मिला होगा, 400 पॉइंट की रिकवरी है भाई साहब, ओके। मैंने आप लोगों को मार्केट खुलने से पहले बताया था कि देखिए ये लोअर लेवल से रिवर्स करेगा, मेरा बहुत ही पहले से प्लानिंग था कि 7,100 में ट्रेड बनाऊं, मुझे ज्यादा नीचे मिल रहा था, मैंने मॉर्निंग में फ्यूचर बाई कर लिया था, फिर दोबारा जब 15 मिनट के इनसाइड पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा था फिर मैंने फ्यूचर प्लस किया और आखिरी में मैंने भी कैरी कर लिया, राइट, कॉल सेल करके मैंने सेम ट्रेड आप लोगों को बताया था। तो आई होप आप लोगों ने पोजीशन बनाया रहा होगा, अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल का प्लानिंग क्या होना चाहिए, सिंपल देखिए शॉर्ट तो अभी प्रीफर नहीं करना चाहिए जब तक ये 44,000 के बिलो ना आ जाए, तो 44,000 तक ना इसे बाई का प्लान करना चाहिए। अगर कल कोई बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप नहीं होता है तो चांस मिलना चाहिए 44,000 से बाई करने का, 44,000 के और हेज करना चाहिए। तो इसमें प्लान करना चाहिए 45,000 का आपका पुट सेल करना चाहिए और 44,000 का पुट बाई कर लेना चाहिए विथ हेज, ठीक है, और पोजिशन कैरी करना चाहिए, राइट, ये प्लान होना चाहिए। 44,000 के बिलो क्लोज देता है तो पोजिशन कैरी मत करो, पोजिशन क्लोज करके चले जाओ। और अगर कोई मूवमेंट नहीं मिलता है इसी जगह में प्लेट ओपन होता है तो सिंपल 44,200 का 44,200 का स्ट्रगल बना दो, 44,000 तक
44,400 तक आप पोजीशन होल्ड करो, 44,000 तक नीचे पोजीशन होल्ड करो और इसी रेंज में क्लोजिंग देता है, कैरी फॉरवर्ड कर दो, मंडे को भी अच्छा गेन मिल जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी का ट्रेड कल अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, निफ्टी का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। या तो निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो हम लोग पोजिशन कैरी कर सकते हैं, या फिर कल साइडवेज रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर फंसेगा, ये कंटिन्यू में मूवमेंट नहीं आएगा निफ्टी में ऐसा लगता है। तो अगर कल अगर ब्रेकआउट नहीं देता है, 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो मैं पोजीशन को क्लोज भी कर लूंगा अपना, ठीक है, जो मैंने बना के रखा है। हालांकि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ही पोजीशन बना दिया था, ठीक है। और फिनेंस निफ्टी में कल देखिए, अगर फिनेंस निफ्टी इसी रेंज में क्लोजिंग देता है या बुलिश क्लोजिंग देता है ना, तो इधर का ट्रेड बना के जाना चाहिए, 20,000 की तरफ का ट्रेड बना के जाना चाहिए फिनेंस निफ्टी में कल इवनिंग में, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, 66,000 के आसपास ही इसका मैक्स पेन आ रहा है अभी, ओके। हालांकि मैक्स पेन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तो मैक्स पेन चेंज भी हो जाता है। आज जैसे निफ्टी में मॉर्निंग में मैक्स पेन था 19,650 का, इसके बाद 700 हो गया, फिर 800 हो गया, वापस क्लोजिंग कहाँ दिया, वापस क्लोजिंग दिया बाजार 750 में, ठीक है। तो मैक्स पेन चेंज हो सकता है, तो कल आप नजर रखिएगा 66,000 के आसपास, और कम से कम 10-15 मिनट वेट कर लीजिएगा। इसके बाद जब डेटा आ जाएगा ना, ठीक है, बीएससी का ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, डेटा आ जाएगा फिर आपको समझना है कि बाजार कहाँ पर ज्यादा रुक रहा है, ठीक है, या इस टाइप का कैंडल बन जाए, इधर ही ट्रेड कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि बाजार इसी रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आता है मुझे, ठीक है। 800 के बिलो जाएगा तब खराब हो सकता है, या फिर 66,200 के ऊपर चले जाएगा तो फिर बुलिश हो सकता है। अदरवाइज इसके ऊपर क्लोजिंग देने से पहले इसमें कोई बुलिश का ट्रेड नहीं बनेगा, मुझे लगता है साइडवेज में कल क्लोजिंग देना चाहिए सेंसेक्स, ऐसा प्लान हमारा होना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्टॉक मैंने आप लोगों को शेयर किया है आज, पीआई इंडस्ट्री का एक ट्रेड नहीं, पीआई इंडस्ट्री मैंने उनको शेयर किया है जो मेरे साथ अकाउंट, जिनका अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू ओपन है, क्योंकि देखिए कुछ तो इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेड करते हैं उससे थोड़ा बहुत मुझे कमीशन मिलता है, हालांकि बहुत कम आता है, ओके, पहले बहुत आता था जब इंट्राडे में ट्रेड करता था, अब कमीशन काफी कम हो गया है, तो मैं उनके लिए कुछ कोशिश करता हूँ। अभी न्यू ईयर से मैं इनके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हालांकि मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि इनको लाइव में ट्रेड कराऊंगा, ओके, एटलीस्ट सप्ताह में 2 या 3 दिन मैं लाइव फ्री दूँ इन लोगों को, जिनका अकाउंट मेरे थ्रू ओपन हुआ है उन लोगों को, एटलीस्ट मेरा मन कर रहा है कि ऐसा मैं कोशिश करूँ और पूरे साल इनको लाइव में कराऊंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक के थ्रू, अगर आप चाहें तो, ओके, लेकिन आप उसमें ट्रेड करिएगा, राइट। तो चलिए, ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए स्टॉक्स और इसके ऊपर व्यू, इंडेक्स के ऊपर व्यू, थोड़ा ऑप्शन चेन के ऊपर मेरा व्यू, ठीक है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।